दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें नहीं थम रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आप नेता सिसोदिया को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश कर उनकी 7 दिन की रिमांड की मांग की। कोर्ट ने इस मामले में सिसोदिया को 5 दिन की ईडी रिमांड में भेज दिया है। अब सिसोदिया को 22 मार्च को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट में ईडी ने कहा कि शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में जांच अहम मोड़ पर है। अभी 2 लोगों को 18 और 19 तारीख को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है, जिसके चलते सिसोदिया की रिमांड नहीं मिलने पर जांच में व्यवधान होगा। कोर्ट ने ईडी की इन दलीलों को मद्देनजर रखते हुए 5 दिन की ईडी रिमांड का आदेश दिया। बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने लंबी पूछताछ के बाद 26 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद सीबीआई की 7 दिन की रिमांड के बाद कोर्ट ने सिसोदिया को 20 मार्च तक की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था, जहां जेल में ईडी ने पूछताछ के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद कोर्ट ने 10 मार्च को सिसोदिया को 7 दिन की रिमांड पर प्रवर्तन निदेशालय को सौंप दिया था। रिमांड की अवधि के आखिरी दिन आज ईडी ने सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया था।